अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेट्स के साथ। तो आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है चंद साइंस और सिम्टम्स, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं आपकी कैट या डॉग जो है बीमार तो नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 जो मैं अक्सर साइंस और सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, या हो सकता है वो नॉर्मली आपकी कैट या डॉग ये करता हो, या उनकी सिवेरिटी चेंज हो सकती है। तो ये कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं जो मैंने अपने पेट्स में कभी जब वो बीमार हुए हैं खुदा ना खास्ता तो मैंने जो गौर किया है या मैंने जो महसूस किए हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो साइंस और सिम्टम बता रही हूँ, तो इसको आप अपने वेट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई बीमारी का तसव्वुर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिम्टम से।갑자기 내게 나타나준 너 तो सबसे पहले आपको जो उनका प्यूपिल है वो डायलेटेड नज़र आएगा, फैला हुआ नज़र आएगा, जिससे आप थोड़ा गौर कर सकते हैं कि शायद आपकी कैट जो है वो बीमार है। दूसरा सिम्टम जो वो हो सकता है वो है वॉमिटिंग, या आपकी जो कैट है वो वॉमिट करेगी या उसको डायरिया का इशू हो जाएगा। तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स में से एक है। बात कर लेते हैं थर्ड सिम्टम की, जो कि है लेज़ीनेस, यानी आपकी कैट या डॉग जो है वो बहुत लेज़ी होगा, यानी कि सुस्त होगा अपनी रेगुलर रूटीन से। उसकी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब वो थोड़ा इरिटेटेड या फिर बहुत सैड फेसेस बना के आपके घर में आपके आसपास घूमेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉट केयरिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन, यानी कि जिस तरह आप अगर कैट्स की एग्जांपल ले लें, जो कैट्स हैं वो अपने आप को हर वक्त साफ़ करती हैं और अपने आप को लिक करती रहती हैं, तो अगर कैट बीमार होती है तो वो अपने आप को लिक नहीं करती, और जो उसके बाल हैं वो आपको थोड़े रफ़ महसूस होंगे नॉर्मल रूटीन से। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है हाइडिंग फ्रॉम एवरीवन, यानी कि वो छुप छुप के बैठेगी, कोनों में जाएगी, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, सामने नहीं आएगी, आपको देखते ही वो कहीं छुप जाएगी। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि शायद आपकी कैट को वेट की ज़रूरत है। सिक्स्थ है उनकी नोज़ या आँखों से कोई वाटरी डिस्चार्ज जो है वो रिलीज़ होगा, उनकी आँख में से, नाक में से, कहीं से भी वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो कोई इन्फेक्शन की भी अलामत हो सकती है, तो वो भी एक बीमारी का ही आप कह सकते हैं सिम्टम है। सेवन्थ पे बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लिटर, यानी कि वो अपने लिटर को जैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं वो नहीं करेंगे, पॉट पर जाके वॉशअप नहीं करेंगे, हो सकता है वो कहीं आस पास जो है वो कर दें। बात करते हैं एट पॉइंट की, तो उनके जो गम्स हैं यानी कि मसूड़े वो येलो कलर के हो जाएंगे। नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो बैड ब्रेथ, यानी कि उनके मुंह में से आपको गंदी स्मेल आएगी, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपकी शायद कैट जो है वो बीमार है। टेंथ जो है मच लेस वोकल, यानी कि जिस तरह वो आपसे आम रूटीन में बातचीत करती है या बोलती है वो उस तरह आपसे बात नहीं करेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा चुपचाप एक जगह बैठी रहेगी। अगर आपकी कैट में ही सिम्टम्स हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको किसी वेट के पास ले जाएं ताकि उसका प्रॉपर और सही वक्त पे उसका जो है वो ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।